आईपीएल 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 का ही जोश हर जगह है, तो बात आईपीएल की ही करते हैं। आज की तो वीडियो में क्या है खास, आज जानते हैं रिकैप में। देखिए आईपीएल में कैसी रहेंगी पिचेस, यूएई की नया मैदान है आईपीएल इंडिया में, तथा यूएई में होगा तो कैसी रहेंगी पिचेस, और क्या है टीम के प्रोटोकॉल्स, के कैसे प्रोटोकॉल्स करना है, बाकी ये सब की जानेंगे क्या है तैयारी, और सीएसके के साथ बहुत कुछ गुजरा पिछले हफ्ते क्या है उसके बारे में जानेंगे, और जानेंगे कि कौन कौन प्लेयर पहुंच चुका है और कौन नहीं पहुंचा है, कौन पहुंचेगा, और 17 तारीख से इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर पहुंच पाएंगे कि नहीं जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं आईपीएल की, यूएई की पिचेस के सर एक करेंगे। देखिए जो यूएई की पिचेस है वो थोड़ा टर्न और घुमाव देखने को मिलता है हमने पहली इनिंग में, तो जो स्पिनर्स हैं वो थोड़े बहुत आपको फायदेमंद करते हैं, तो स्पिनर्स थोड़े आप ले जाइए तो थोड़ा वहाँ पे आपको कह सकते हैं फ़ायदा मिलेगा कि वो घुमा हुए उसके बीच में, और जो फास्टर के लिए जो स्विंग है वो इतनी देर तक नहीं दिखता है, हाँ लेकिन शुरुआत के 3-4 ओवर आपको स्विंग अच्छा खासा मिलेगा, तो आप वहाँ तक फास्ट बॉलर अपने लगा सकते हैं। ठीक है, अगर आप स्विंग की उसमें हैं तो अगर आप स्पिनर लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं, पर वो विकेट घुमाऊँ जो मिडिल के ओवर से जहाँ तक मिलता है 6-15 के बीच में कह सकते हैं, वहाँ पे जो मिलता है वहाँ पे तगड़ा मिलेगा घुमाओ, तो आप शुरुआत में फास्ट लगाइए, बीच में स्पिनर लगाइए, फिर आखिर में आप अपने डेथ ओवर स्पेशलिस्ट को ला सकते हैं हम, या फिर कोई भी मीडियम फास्ट जैसी आपकी मर्जी। और फिर यूएई के पिचेस से देखिए ऐसे ही रिएक्ट करेंगे, अबू धाबी हो, दुबई हो, फाइनल हो, जहाँ पर भी हो सब जगह ऐसे ही रिएक्ट करेंगी, तो अब उनका तो यही। अब आगे बात करते हैं कि प्रोटोकॉल्स, कोरोना बहुत दखल दर्दी कर रहा है आईपीएल में भी, और देखिए जैसे कि आप जाते साथ दोनों ने अभी मैं आंकड़ा सुन रहा था कि वो कसम 10 करोड़ से ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे कोविड-19 खाली टेस्ट कराने में, जो भी जितनी भी बार टेस्ट होगा सब 8 टीमों के प्लेयर्स का स्टाफ का उस पर 10 करोड़ से ज़्यादा स्पेंड करने वाली है बीसीसीआई, तो फिर मतलब लंबा चौड़ा उसमें बहुत ज़्यादा कोरोना निकल चुका है। टीम से उनको आपको कहा गया है कि थोड़ी आप सिक्योरिटी रखिए अपने हाथ पर, मतलब सैनिटाइज करते रहिए अपने हाथ, और आपको थोड़ा मतलब जो आपके जो सिक्योरिटी बना के रखिए कि आप सोशल डिस्टेंसिंग मास्क ये सब आप ना तोड़े, ठीक है। देखिए एक का नुकसान कोई टीम को ले के डूब सकता है, जैसे आप 8 टीमें जैसे एंटर करी हैं वैसे 6-7 दिन के क्वारंटाइन में उनको भेजा गया था, अभी चेन्नई अभी भी है क्योंकि उसके बाद वो गाइड लिए वो आगे जानेंगे, और जैसे ही आपके फॉरेन प्लेयर साथ जाएंगे वो खुद 6-7 प्लेयर क्वारंटीन में रहेंगे 6-7 दिन तक, फिर उसके बाद वो मैदान में निकल पाएंगे प्रैक्टिस करने के लिए या खेलने के लिए जो भी आप कह सकते हैं। तो फिर देखिए उसके क्वारंटीन से ये होता है कि आप कोरोना मतलब अगर होगा तो 6-7 दिन के बाद वहाँ पड़ जाएगा, नहीं तो फिर नहीं होगा तो आप उतर सकते हैं मैदान में, टेस्ट होंगे 2-3 बार इस क्वारंटीन के बीच में आपके, अगर जैसे कि कोई भी प्लेयर कोरोना पॉजिटिव निकल जाता है तो उनको वापस क्वारंटीन को भेजा जाएगा, पूरी टीम को भेजा जाएगा कि नहीं भेजा जाएगा, वो सब विषय को देखना होगा कि अगर मैच के पहले वो प्लेयर निकल जाता है तो उसका क्या करेंगे, वो सब प्रोटोकॉल अभी तक विषय ने दिखाया मतलब कह सकते हैं नहीं रखा है कि क्या करेंगे वो, लेकिन अब होगा तो देखा जाएगा। तो फिर प्रोटोकॉल तो साफ है क्या, अब सैनिटाइज करते रहिए, मास्क पहनिए, सोशल डिस्टेंसिंग रखिए, जहाँ भी आप जाए फ्लाइट से बोर्ड करें या फिर आप एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम जा रहे हैं खेलने के लिए तो वहाँ पर आप थोड़ी सावधानी रखें, तो प्लेयर्स को कहा गया, स्टाफ मेम्बर को कहा गया, कप्तान विराट कोहली ने ऑनलाइन मीटिंग करी थी अपने प्लेयर्स के साथ कि क्या आप करें क्या ना करें, सोशल डिस्टेंसिंग करें, रूम क्वारंटीन में, जब उन्होंने ऑनलाइन मीटिंग करी थी अपने प्लेयर्स के साथ, तो ऐसे ही सब कप्तान हैं जो अपनी टीम को बता रहे हैं क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, तो चलिए अच्छी बात है कि जो कप्तान है वो थोड़े सावधान है कि कोरोना ऐसी है कि बहुत महामारी है, इससे लड़ना है और जीतना है, और अपने इससे लड़ना है फिर आखिर में मैदानों से जाके टीम से भिड़ना है, तो चलिए अब आगे बात करते हैं। जो सीएसके जो टीम है उनके लिए बुरी खबरें का सिलसिला जारी है, आए जा रही है बुरी खबरें, सबसे पहले आई थी कि जो स्टाफ है वो पॉजिटिव निकल गया है उनका कोरोना 12-11 नंबर
मेंबर का, 14 मेंबर का, तो स्टाफ में वो कोरोना पॉजिटिव निकला। उनके साथ साथ दीपक चहर की खबर आई थी कि दीपक चहर जो है वो कोरोना कोविड पॉजिटिव निकले हैं। उनके साथ बाद में आई एंड एक और लड़के आई उनके साथ के वो भी कोरोना पॉजिटिव निकल रहे हैं। तो बहुत ही बुरी खबरें आई थी ACS के लिए। फिर उसके बाद सबसे बड़ा झटका जो कह सकते हैं हमें वो लगा सुरेश रैना के, उसमें सुरेश रैना जब घर लौटे तो चेन्नई की उम्मीदें घर लौट गई। भाई ये चेन्नई रैना चिन्हला के बारे में बहुत गाय के लिए छोड़ा, रूम के लिए छोड़ा कि नहीं, कि उसके लिए छोड़ा नहीं। देखिए ये जो रूम के लिए उनका सिलसिला है वो मुझे नहीं लगता कि उतने उनकी इतनी छोटी सोच है कि वो एक रूम की वजह से अपनी इंडिया चले आए। जो ये हेटर्स है वो कहते रह गए यार रूम की वजह से छोड़ा, लेकिन मुझे नहीं लगता क्योंकि देखिए अब जो बंदा 4-5 महीने से तैयारी कर रहा हो आई पी एल खेलने के लिए, एक छोटे रूम ना मिलने की वजह से वापस लौट जाए नहीं, उसका जो रीज़न है रियल रीज़न उन्होंने भी अभी ट्वीट करके बताया, जो देखते नहीं लोग और अफवाह फैलाते हैं। ट्विटर में ये ट्वीट आया उनका कि जो मेरे अंकल और आंटी है पंजाब में आए, अंकल को तो जो ऑन द डेट ऑन द स्पॉट ही डेथ हो गई, आंटी जो है अभी क्रिटिकल है, तो उन्होंने ये लिखा था कि नथिंग इज मोर इम्पोर्टेंट देन किड्स। ये मतलब बच्चों से ज़्यादा मेरे लिए IPL इम्पोर्टेंट नहीं है, सीधा का सीधा उनका ये कहना था। देखिए सही है, अपने फैमिली की वो देखे कि आंटी के पास रहे थोड़ा टाइम रहे, पता उन्होंने इंक्वायरी पंजाब पुलिस से इंक्वायरी मांगी कि कौन था इनके पीछे, इसके पीछे वो आप दिलाए और जस्टिस दिलाए उनको। तो देखिए ये हम भी मांग करते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत है केस से भी रहा, ये केस हो देखो जोड़ना चाहते हैं स्टूडेंट रहना पंजाब पुलिस से कि आप करें इंक्वायरी उठाएँ और करें कि कौन था इनके पीछे। तो चलिए उनकी आंटी के और कज़िन भी एक डेथ हो चुके हैं उनके फ्रेंड्स रैना के, तो प्लेयर्स हैं के जो भी है। तो पिछले दिन ही CSK के लिए तीन अच्छी खबरें आई कि फिलहाल तो के फैफ डुप्लेक्स जो नुंगी दिंगी दिन है उन्हें ज्वाइन करा, जो इमरान दाहिर भी वो अभी CPL खेल रहे, CPL के बाद चेन्नई को वो भी ज्वाइन करेंगे। उसके बाद उसे सुरेश रैना जो मैंने आपको ट्वीट बताया कि वो रैना ने करा वो अच्छे जो उनके ऊपर पैसे रहे उन्होंने क्लियर करे। और शाम को सबसे बड़ी अच्छी खबर आई कि जो स्टाफ मेंबर्स और दीपक चार जो और एक और प्लेयर जो रिटवाज गायकवाड जो पॉजिटिव आए थे वो नेगेटिव आ गए। अच्छा सबसे बड़ी खबर तो यही थी कि आपके स्टाफ प्लेयर जो है सब नेगेटिव आ गए। और जो टीम है वो 5 तारीख तक क्वारंटीन रहेगी, 5 सितंबर तक, और 4 सितंबर को उनका टेस्ट होगा। अगर सब नेगेटिव निकल जाते तो 5 सितंबर से क्वारंटीन उनका ख़त्म हो जाएगा, 6 से वो मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन दीपक चहर और स्टाफ मेंबर्स और ऋतुराज गायकवाड वो 11-12 तक नहीं उतर पाएंगे मैदान में, उनको थोड़ा सा और क्वारंटीन रहना पड़ेगा जो वो नेगेटिव आए हैं। तो बस और क्वारंटीन के बाद एक और टेस्ट होगा 11-12 तक, अगर उसमें नेगेटिव आते तो फिर वो उतर पाएंगे। और वैसे ही फैफ डुप्लेक्स उनका भी है वो भी 6-7 दिन क्वारंटीन रहकर फिर वो बाहर निकल के फिर वो खेल पाएंगे। अब बात ये थी कि इंग्लैंड चेन्नई के लिए तो ये हो गया ठीक है, अब उनके लिए हालत अब थोड़े बहुत अब ठीक है रहना नहीं है, लेकिन चलिए कोई बात नहीं। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के जो प्लेयर थे वो 17 को पहुँचेंगे, तो BCCI ने कोई प्रोटोकॉल्स उनके लिए रखे हैं कि आप ये कर लीजिए। बस यार हम आपको पहला मैच मतलब जो 6-20 सब प्लेयर्स आगे हो रहा है वो उनको नहीं करना पड़ेगा, उसके बाद आप पहले मैच से जैसे कि 19 को अगर आपका मैच है तो आप वहीं से आप खेल सकते हैं, ये अच्छी बात है। तो पहले मैच से जब आपको एक्शन में देख सकते हैं। तो फिर जो इस वीडियो में मैंने जो सारे एक्सपेक्ट से जो इतने दिनों से थे मेरे को जो वजह से नहीं कर पा रहा था वीडियो बना नहीं बना था, तो मैंने सब ये सब एक्सपेक्ट एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करी है। और अगर और कोई भी आपके सवाल हो तो आप इंस्टाग्राम पे आ सकते हैं, इंस्टाग्राम के ID @A_MumbaiCP5253 से मत आइएगा, Jackrickle_CP50 पे आइएगा ठीक है। वहाँ पे ये YouTube चैनल का ऑफिशियल पेज है, नीचे दोनों की लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो दोनों में आपके आप आगे फॉलो कर सकते हैं, DM कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तब तक के लिए हंसते रहिए और घर पे रहिए और सेफ रहिए, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, रिव्यू अगर आपको पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नोटिफिकेशन को दबा दीजिएगा। तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय।